हे गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हॉरर स्टोरीज। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं हमारे कहानी की ओर। मैं मुंबई के डोंबिवली शहर में रहता था। उस दिन मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला था, इन सब चीज़ों से मैं अनजान था। वो दिन मैं अपना फोर व्हीलर लेकर एक गांव में गया था जो कि डोंबिवली से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे थी। उस गांव में मेरे दोस्त रहते थे। हमारा प्लान था कि हम पूरी रात हॉन्टेड प्लेस में जा कर के वहाँ शूट करेंगे हॉरर वीडियोस। मैं और मेरे तीन दोस्त थे मेरे साथ। हम शाम होने का वेट किया और जैसे ही 7 बजे हम निकल पड़े। हम जहाँ जा रहे थे वो जगह हॉन्टेड था। हम लगभग 10 बजे उस स्पॉट पे पहुँचे और वहाँ से 2 किलोमीटर दूर थी वो जगह, लेकिन हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते थे क्योंकि वो रास्ता कच्चा रास्ता था और रास्ता भी पतली थी। वहाँ फोर व्हीलर का जाना नामुमकिन था। तो हमने हमारा कैमरा ले लिया और मेरे बाकी दोस्तों ने भी कुछ तो कुछ सामान लाया था, वो सारी चीज़ें हम लेकर के वहाँ से निकल गए और हम जा रहे थे उस भूतिया प्लेस के ओर। उस जगह का कुछ ऐसा स्टोरी था कि वहाँ एक लड़की और एक लड़के का लाश मिली थी, वो भी कटे हुए। इतनी बुरी तरह से कटी गई थी कि कोई अगर देख ले वो वहीं बेहोश हो करके गिर जाएगा। उस लड़के और उस लड़की का दोनों हाथ और दोनों पैर एक गोनी में रखा था और उस गोनी को एक पीपल के पेड़ पर लटकाया था जिसमें से खून टपक रही थी और उन दोनों का सिर वो पीपल के पेड़ पे टहनियों पे लटका दिया था और उन दोनों का शरीर को सूटकेस में रखा था। और कहा जाता है कि कोई भी वहाँ रात 12 के बाद जाता है वो कभी जिंदा नहीं लौट पाता। उसकी भी हालत वैसे ही हो जाती है जैसे कि वो लड़का और उस लड़की की हुई थी। तो हम सब जगह पे पहुँच गए थे। हमने देखा कि वो पेड़ के चारों तरफ तार लगाया गया था ताकि कोई अंदर जा ना सके। उस तार के दीवार पे एक छोटा सा बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था कि अंदर जाना सख्त मना है, अगर अंदर गए तो आपकी मौत पक्की है। मेरे एक दोस्त जिसका नाम था प्रेम, उसने उस बोर्ड को तोड़ दिया और बोला भूत वगैरह होते नहीं हैं, ये सब तो बस इंसानों को डराने के लिए होता है। प्रेम ने उस तार को एक बड़ी सी लकड़ी से तोड़ने लगा। आखिरकार उसने तोड़ ही दिया और अंदर चला गया। हमने बहुत रोकने की कोशिश की पर वो हमारी एक भी बात नहीं सुना और अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया किसी चीज़ ने उसे ज़ोर का धक्का दिया बाहर के तरफ से और वो उस पेड़ के पास जा कर के गिर गया। और उसने जैसे ही ऊपर देखा उसके होश उड़ गए और वो ज़ोर से चिल्लाया। हम उसका चीख सुन के डर गए। फिर प्रेम ने कहा भाई इस पेड़ पे देखो, किसी का सिर लटकाया गया है, पर हमें तो कुछ दिखा ही नहीं दे रहा था। तभी उसने कहा यहाँ बहुत सारा खून भी है, चारों तरफ सिर्फ खून और मांस ज़मीन पे बह रही है, लेकिन हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने उसे बाहर आने को बोला लेकिन वो जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर हमने और मेरे बाकी के दोस्त अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन तभी प्रेम ने बोला भाई लोग तुम मत आओ, मैं मरने वाला हूँ,
यहाँ मेरे सामने दो आत्मा है जिनका सिर कटी हुई है। वो मुझे कह रहे हैं कि तुमने गलती कर दी अंदर आके, अब तुम्हारी भी हालत वैसे ही होगी जैसे हमारी हुई थी। प्रेम उनको बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोग का। वो सिर कटे आत्माओं ने बोला, अगर तू नहीं मरा तो मैं तेरे सारे दोस्तों को भी मार दूंगा। फिर तभी प्रेम ने उसके दोस्तों के ओर देखा और रोने लगा और कहा कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से, वरना ये दोनों आत्मा तुम्हें भी मार देंगे, चले जाओ यहाँ से प्लीज़। ये बोल ही रहा था कि वो आत्माओं ने उसका दोनों हाथ एक झटके में ही उखाड़ दिया। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा, चीखने लगा और थरथराती आवाज़ से कहा, चले जाओ तुम लोग यहाँ से, वरना तुम्हारी भी हालत मेरे जैसी हो जाएगी, तुम मर जाओगे, चले जाओ। मैं और मेरे बाकी के दोस्त वो सब देखकर रो रहे थे। हमारा दोस्त को तड़पता देखकर हम बहुत रोने लगे। फिर तभी उस आत्मा ने प्रेम के सिर को एक झटके में ही उखाड़ के फेंक दिया। वो देख के मैं और मेरे दोस्त वहाँ से भागने लगे। हम जैसे तैसे भाग के हम हमारे गाड़ी के पास पहुँच गए और वहाँ से निकल पड़े। हम तीनों बहुत रो रहे थे। हम उस रात घर नहीं गए, हम एक सड़क के किनारे पर गाड़ी को लगा दिया और वहीं पूरी रात रोते रोते बिताए। और जैसे ही सुबह हुई हम लोग फिर से वहाँ जाने का फैसला किया। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। हम उस गर्दी के बीच में से निकल के हम उस पेड़ के पास पहुँचे और देखा कि हमारे दोस्त का शरीर दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ खून ही खून चारों तरफ दिख रहे थे। हमने जैसे ही ऊपर देखा हमारे आँखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। हमारा दोस्त का सिर उस पेड़ पे लटकी हुई थी और हाथ और पैर भी पेड़ पे ही लटकी हुई थी और शरीर भी पेड़ पे लटकी हुई थी। चारों तरफ खून ही खून था। ये सब देखकर हमें एक सदमा सा लग गया था। आज भी मेरा दोस्त मेरे सपने में आकर के बोलता है कि काश मैंने उस दिन तेरी बात मान ली होती मेरे दोस्त।